हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज अपने पास में टॉपिक है व्यवसायिक संरचना, क्योंकि व्यवसायिक संरचना होती क्या है, उससे क्या अभिप्राय है, व्यवसायिक संरचना में कौन कौन से व्यवसाय आते हैं और इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, इससे संबंधित टॉपिक है। अच्छा, एक बात और है कि जो व्यवसायिक संरचना है, ये व्यवसायिक संरचना का जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो देखेंगे आज हम व्यवसायिक संरचना टॉपिक अपन डालते हैं, व्यवसायिक संरचना। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि व्यवसायिक संरचना होती क्या है। एक बार मैं डेफिनेशन आपको बोल के बताता हूं। देखिए, व्यवसायिक संरचना होती है वाणिज्य क्षेत्र। वाणिज्य का मतलब होता है व्यापार, ठीक है। वाणिज्य क्षेत्र में एक व्यापार संरचना एक कंपनी के संगठन से संबंधित होता है। मतलब जो आपका वाणिज्य क्षेत्र होता है, उसमें कोई सा भी व्यापार होता है, उसकी जो संरचना होती है वो क्या होती है, एक कंपनी होती है या कंपनी से संबंधित होती है, जो कि इसकी जो कानूनी जो स्थिति होती है और उस कानूनी स्थिति को प्रदर्शित करने का काम करता है व्यवसायिक संरचना। अब इसे हम ऐसे समझते हैं, कैसे, अर्थात व्यवसायिक संरचना का जो चयन होता है वो आपके व्यापार के लिए एक कानूनी मान्यता प्रदान करता है, ठीक है ना। मतलब आपका व्यापार जो होता है व्यवसायिक संरचना के अंतर्गत आता है, तो आपका व्यापार जो होता है वो कानूनी मान्यता प्रदान के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। मतलब आप व्यापार खोलते हो, कोई दुकान है या कोई आपका बिजनेस है, तो व्यापार व्यवसायिक संरचना के अंतर्गत आता है, तो मतलब एक कानूनी मान्यता आपको प्रदान है और उसी के अनुरूप आप व्यापार करते हो, ठीक है ना। तो ये एक व्यवसायिक संरचना का अभिप्राय मैंने आपको बताया, तो इस चीज को मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूं, आप चाहो तो उतार सकते हो, ठीक है। वाणिज्य क्षेत्र में, ठीक है, पहले तो हम डालेंगे यहां पे व्यवसायिक संरचना का अभिप्राय, ठीक है, क्वेश्चन 2 नंबर का, ठीक है। अब इसमें क्या लिखोगे आप लोग, वाणिज्य क्षेत्र में एक व्यापार, ठीक है ना, आपका वाणिज्य क्षेत्र हो गया, उसमें एक व्यापार संरचना, एक कंपनी को प्रदर्शित करता है, या कह सकते हो जुड़ा होता है, या फिर एक कंपनी, या कह सकते हो आप कंपनी के संगठन से संबंधित है, कंपनी के संगठन से संबंधित है, या ऐसे लिख सकते हो कंपनी के संगठन से संबंधित है, ठीक है ना। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, ठीक है, या तो लिख दीजिए क्या, वाणिज्य क्षेत्र में एक व्यापार संरचना एक कंपनी को प्रदर्शित करता है, या फिर ऐसे लिख दीजिए एक व्यापार संरचना कंपनी के संगठन से संबंधित है, ठीक है ना, इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है ना, जो कि इसकी कानूनी स्थिति को प्रदर्शित करती है, जो कि इसकी कानूनी स्थिति को प्रदर्शित करती है। अब कई बच्चों को ये डेफिनेशन, ये परिभाषा, ये अभिप्राय आपको हार्ड लग रहा होगा, कठिन लग रहा है याद करने में, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, अर्थात। अब ये दूसरा आपका अभिप्राय है, क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो कि व्यवसायिक संरचना का चयन क्या, किससे संबंधित है, आपके व्यापार के लिए एक कानूनी मान्यता प्रदान
करता है। मतलब अगर आप व्यावसायिक संरचना से जुड़े हुए हो तो आपका कोई सा भी व्यापार हो उसको कानूनी मान्यता प्राप्त होगी, मतलब वो कानून के दायरे में आता है। मतलब आपकी व्यावसायिक संरचना जो होती है जिसके अंदर जुड़े हुए बहुत सारे जो व्यवसाय होते हैं वो एक तरीके से किसकी मान्यता के अंतर्गत आते हैं, कानूनी मान्यता के अंतर्गत आते हैं। आपने देखा होगा कोई भी व्यापार हम खोलते हैं तो उसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, या किसी भी प्रकार की कानूनी जो सरकारी जो कई प्रकार के नियम होते हैं उस दायरे में आता है, तो मतलब एक तरीके से कानूनी मान्यता उसको मिलती है इसके अंदर, ठीक है। ये हो व्यवसायिक संरचना। अब व्यवसायिक संरचना की और क्या विशेषता है, व्यवसायिक संरचना से कार्यशील जनसंख्या जुड़ी होती है। अब ये कार्यशील जनसंख्या कौन सी होती है, 15 से 59 वर्ष की, ठीक है ना, मतलब 15 से 59 वर्ष जो होता है आयु का, जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों मिली हुई होती है, ठीक है ना, दोनों पुरुष और स्त्री दोनों कार्य करते हैं, मतलब कार्यशील जनसंख्या जिसकी उम्र होती है 15 से 59, स्त्री और पुरुष दोनों इसमें सम्मिलित होते हैं, ठीक है। इस चीज को भी हम इसके अंदर एक्सप्लेन जोड़ेंगे, अपन क्या लिखेंगे, व्यावसायिक संरचना के अंतर्गत कार्यशील जनसंख्या शामिल होती है जिसकी आयु 15 से 59 वर्ष मानी गई है, जिसमें स्त्री व पुरुष शामिल होते हैं। मतलब देखिए उम्र जो होती है 0 से 14 होती है, 15 से 59 होती है और 60 से अधिक होती है। अब 0 से 14 तो बाल्यावस्था होती है, छोटे बच्चे होते हैं, वो कार्य नहीं कर सकते, तो कार्यशील जनसंख्या में तो आएंगे ही नहीं वो। अब कार्यशील जनसंख्या में कौन आएगा, जो व्यवसायिक संरचना से जुड़े हुए, जो कार्य करते हैं, जो व्यापार करते हैं, ठीक है ना, वही तो कार्यशील जनसंख्या होगी। और यही कार्यशील जनसंख्या 15 से 59 वर्ष की मानी गई है, ये 15 से 59 वर्ष की जो आयु होती है यही कार्यशील जनसंख्या होती है, और यही कार्यशील जनसंख्या किससे जुड़ी होती है, व्यवसायिक संरचना से, जो व्यवसाय का कार्य करते हैं या कोई और भी कार्य कर सकता है। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊंगा कि व्यवसायिक संरचना के अंदर कौन कौन से व्यापार या व्यवसाय होते हैं, तो नेक्स्ट अपना देखेंगे, पहले आप इसे उतार लीजिए, ठीक है। अगला देखते हैं अपन, व्यवसायिक संरचना के अंतर्गत जो व्यवसाय होते हैं मुख्यतः वो कौन कौन से होते हैं, उस चीज को देखेंगे। एक तीर का निशान डालेंगे, क्या लिखेंगे, व्यवसायिक संरचना के अंतर्गत प्रमुख व्यापार जैसे कि कृषि, खनन, मत्स्य पालन, पशुपालन, ठीक है, परिवहन, संचार, ठीक है, विनिर्माण, ठीक है, इसके अलावा और भी आपके व्यवसाय हो सकते हैं, जैसे कि सेवाएं। सेवाएं कौन कौन सी, जैसे कि डाक सेवा, डॉक्टर, वकील, जो सेवाएं देते हैं दूसरे लोगों को, ठीक है ना, वकील आदि शामिल है, ठीक है। ये आपके क्या है, व्यवसायिक संरचना के अंतर्गत प्रमुख व्यापार या व्यवसाय हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए, व्यवसायिक संरचना के अंतर्गत व्यवसायिक संरचना को कुल मिला के 5 भागों में बांटा गया है। मतलब आपके व्यवसाय कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के व्यवसाय होते हैं। देखिए अगला टॉपिक क्या डालेंगे अपन,
व्यावसायिक संरचना के प्रकार या लिख सकते हो वर्गीकरण। अब मैं वर्गीकरण करके बता रहा हूं कि व्यावसायिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया। कुल मिला के 5 भाग है। पहला देखिए, प्राथमिक क्रिया, ठीक है ना, क्रिया मतलब कार्य, काम। अब देखिए प्राथमिक क्रिया में कौन सी चीजें आती है। प्राथमिक क्रिया, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, ये 5 प्रकार के क्रिया आपके व्यवसायिक संरचना के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक क्रिया कौन सी होती है, जिसमें व्यक्ति प्रकृति पर आधारित हो, मतलब जो भी निर्माण कर रहा है वो प्रकृति से जो भी कच्चा माल प्राप्त होता है उस कच्चे माल का उपयोग सीधे तरीके से करे, तो उसे तो हम कहते हैं प्राथमिक क्रिया। जैसे कि मान लीजिए हम खेती करते हैं तो गेहूं आपको प्राप्त हो रहा है, तो कृषि जो है वो किसके अंतर्गत आएगी, प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आएगी। खनन है, खुदाई करते हैं, सीधे तरीके से खनन करके वस्तु निकालते हैं। मत्स्य पालन है, आखेट है, ठीक है ना, आखेट मतलब शिकार है, पशुपालन, ये सारी चीजें जो होती है प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आती है। तो इसकी परिभाषा तो मैंने आपको बताई दी कि व्यक्ति का प्रकृति पर सीधे निर्भर होना, यही प्राथमिक क्रिया कहलाती है, ठीक है ना। तो मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं, मानव का प्रकृति पर सीधे निर्भर होना प्राथमिक क्रिया कहलाता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे, उदाहरण क्या है जो भी अभी मैंने बताया, कृषि, पशुपालन, खनन, मत्स्य पालन मतलब मछली पकड़ना, और इसके अलावा आखेट मतलब जंगल में शिकार करना, ये शिकार कहलाता है आखेट मतलब, ठीक है ना। तो ये आपकी प्राथमिक क्रिया हो गई, ये पहला बिंदु हो गया व्यवसायिक संरचना का, ठीक है। दूसरे बिंदु की हम बात करते हैं, दूसरा बिंदु क्या कहता है देख लेते हैं। दूसरी क्रिया होती है द्वितीय क्रिया, देखिए भाई, द्वितीय क्रिया। अब द्वितीय क्रिया क्या होती है सुन लीजिए, क्या परिभाषा है द्वितीय क्रिया। प्राथमिक क्रिया से जो भी कच्चा माल प्राप्त होता है उसका विनिर्माण होना किसी भी उद्योग के अंदर, मशीनों के माध्यम से उसके रूप में परिवर्तन करके उसके मूल्य में वृद्धि कर देना, यही कहलाता है द्वितीय क्रिया, ठीक है ना। इसको मैं परिभाषा लिख देता हूं, क्या लिखेंगे अपन, वह क्रिया जिसके अंतर्गत कच्चे माल को, कच्चा माल मतलब प्रकृति से प्राप्त होने वाला है, कच्चे माल को उद्योग धंधों में या कारखानों में मशीनों के माध्यम से उसके रूप में परिवर्तन करके उसके मूल्य में वृद्धि कर देना, ठीक है, एक तरीके से विनिर्माण कहलाता है और यही निर्माण क्या कहलाती है, द्वितीय क्रिया। उदाहरण, अब देखिए उदाहरण में क्या आता है इसमें, विनिर्माण। अब विनिर्माण, विनिर्माण, अब विनिर्माण में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि गेहूं है, गेहूं प्राथमिक क्रिया है, उससे बिस्किट तैयार किया जा रहा है, तो बिस्किट जो तैयार किया, अब देखो गेहूं इतना सा होता है, छोटा सा होता है गेहूं, अब उस बहुत सारे गेहूं को इकट्ठा करके एक बिस्किट तैयार किया, मतलब उसका मशीनों के माध्यम से उसकी पिसाई की, फिर एक बिस्किट तैयार किया, मतलब उसके रूप में क्या कर दिया,
परिवर्तन कर दिया, उसके रूप में क्या कर दिया, परिवर्तन। जैसे ही रूप में परिवर्तन हुआ तो उसके मूल्य में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, द्वितीयक क्रिया। और इसका उदाहरण है विनिर्माण उद्योग धंधे जो भी होते हैं, ठीक है। तो यह आपका द्वितीयक क्रिया होती है, उतारना चाहो तो उतार सकते हो आप लोग। तीसरे नंबर की क्रिया क्या होती है, सुन लीजिए, तृतीय नंबर की क्रिया, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट डालेंगे तृतीय क्रिया। देखिए भाई, तृतीय क्रिया कौन सी होती है, जिस क्रिया के अंतर्गत परिवहन, संचार या सेवाएं हो, ठीक है, या फिर किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी प्रकार की जो सुविधाएं दी जाती है वो किसके अंतर्गत आती है, तृतीय क्रिया के अंतर्गत आती है। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इस क्रिया के अंतर्गत परिवहन, संचार व सेवाओं को शामिल किया गया है, इस क्रिया द्वारा एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को सुविधा प्रदान की जाती है, ठीक है ना। उदाहरण लिख लीजिए आप लोग, उदाहरण में यही चीजें आएगी, परिवहन, संचार, सेवाएं। सेवाएं जैसे कि डाक सेवा, चिकित्सा, ठीक है, धोबी, वकील, चपरासी, ठीक है, इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं होती है वो तृतीय क्रिया के अंतर्गत आती है, ठीक है। चतुर्थ नंबर की जो क्रिया होती है वो सुन लीजिए, चतुर्थ क्रिया कौन सी होती है, ये थोड़े बड़े स्तर की क्रिया होती है। बड़ा स्तर अर्थात जिसके अंदर नीतियों का निर्धारण किया जाता है, देखते हैं किस प्रकार से। तृतीय चतुर्थ क्रिया देख लीजिए, चौथे नंबर का पॉइंट है चतुर्थ क्रिया। इस क्रिया के अंतर्गत नीतियों का निर्धारण, ठीक है ना। सबसे पहली चीज जो बड़े स्तर पर होता है, किसी भी प्रकार की जो नीतियों का निर्धारण किया जाता है, या सॉरी नीतियों का निर्धारण नहीं किया जाता इसके अंदर, सॉरी कट, इसमें नीतियों का निर्धारण नहीं होगा, नीतियों का निर्धारण होगा पंचम क्रिया के अंतर्गत, ठीक है ना। पंचम क्रिया में होता है वो नीतियों का निर्धारण या उच्च स्तर पर कोई निर्णय लेना। चतुर्थ क्रिया में क्या होता है, इस क्रिया के अंतर्गत, देखिए दोबारा, चतुर्थ क्रिया के अंतर्गत, इस क्रिया के अंतर्गत अनुसंधान जो वैज्ञानिक होते हैं और वैचारिक जो विकास होता है उसका कार्य इसके अंतर्गत किया जाता है। इस क्रिया के अंतर्गत अनुसंधान वैचारिक विकास का कार्य किया जाता है, ठीक है। पंचम क्रिया में क्या आता है देख लीजिए, इस क्रिया के अंतर्गत नीतियों का निर्धारण मतलब बड़े स्तर पर जो भी नेता होते हैं, बड़े पॉलिटिशियन होते हैं, देश को कैसे चलाएंगे उसके आधार पर नीतियों का निर्धारण व उच्च स्तर पर निर्णय लेना, ये कार्य जो करेगा वो किसके अंतर्गत आएगा,
पंचम क्रिया के अंतर्गत उसको शामिल करेंगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको व्यावसायिक संरचना का बिंदु बताया, मैंने व्यावसायिक संरचना क्या होता उसका अभिप्राय बताया, मैंने व्यावसायिक संरचना में कौन सी कार्यशील जनसंख्या आती है, 15 से 59 वर्ग आता है, स्त्री पुरुष दोनों शामिल होते हैं। व्यावसायिक संरचना के अंदर कृषि, वानिकी, मत्स्य, विनिर्माण, निर्माण, परिवहन, सेवाएं, संचार, सब व्यवसाय इसके अंतर्गत शामिल है। और व्यावसायिक संरचना की ये जो 5 क्रियाएं हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ और पंचम, ये 5ों क्रियाएं जो है वो आपके व्यावसायिक संरचना के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन जो है वो आपके 2 अंकों का एग्जाम में शामिल होता है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के बताएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।